ये गणपत चल जल्दी चल बाबा चल घोड़े लेफ्ट मुड़ जा लेफ्ट 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 सीलिया में गीलिया गीलिया क्या हो रखा भाई। चश्मा निकाल देता हूँ भाई, नहीं तो राजा बाबू बना देगा ये तो मेरे को। तो माथेरान स्टेशन से हमने दो घोड़े हायर कर लिए और यहाँ पे मतलब बार्गेनिंग करते 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 मतलब 700-800 में आपको मिल जाएगा दो घोड़े और आपको ये 12 पॉइंट घुमाएंगे। अभी हम देखते हैं 12 पॉइंट कौन कौन से होंगे। फिलहाल अभी हमारे घोड़े तैयार है, मैं और अभिषेक इस पे चढ़ने वाले हैं और जाने वाला है। हाँ, इसके अंदर पैर रखना। डर लगे ना? डर अरे नहीं, दो चार मिनट डर लगता है बस। और ये है हमारा घोड़ा, हम इस पे बैठेंगे। दोनों पैर है ना? काटे आए थे भाई, धीरे धीरे थोड़ा चल भाई। ये तो बहुत डर लग रहा भाई, ऐसे तेरे को लग रहा है कि गिर जाएगा, ऐसा मुझे भी लग रहा है। ढाई घंटा नहीं, दो घंटा लगता है भाई। भाई बहुत डर लग रहा है। क्या नाम है गणपत? हमारे घोड़े का नाम गणपत। ये गणपत चल जा। अभी थोड़ा थोड़ा यार डर नहीं लग रहा, बैठते समय लग रहा था। आप लोग भी यार जब आओ यहाँ पे थोड़ा घोड़े के मजे भी लो यार। बाय वॉक तो हम अमन लॉज से माथेरान हिल स्टेशन तक आ गए थे, लेकिन इसके बाद अभी 12 पॉइंट घूमने के लिए हमने ये गणपत और ओम को हायर कर लिया है। भैया बता रहे हैं कि 10 बजे के बाद बहुत ज़्यादा रेट हो जाएगा, तो आप लोग जब आना तो 10 बजे के बाद जो रेट होगा कमेंट करके मेरे को बताना। पहले हम किस पॉइंट पे जा रहे हैं भैया? लेक पे। लेक पे कौन सा लेक है वो? चॉर्लेट। हाँ, चॉर्लेट, चॉर्लेट लेक। और भाई मजा आ रहा है? डर लग रहा है? तुम्हारे घोड़ा ओम और हमारे ये गणपत भाई साहब। ये गणपत चल जल्दी चल बाबा। अच्छा, समझता है इसका नाम गणपत है? प्रकाश भाई समझता है। अभी जिस रास्ते से हम जा रहे हैं ना, वहाँ पे शर्लेट लेक, इको पॉइंट, लुइस पॉइंट, लॉर्ड पॉइंट, ये सारे पॉइंट आने वाले हैं। एक्चुअली क्या हुआ ना कि हमने घोड़े यार इसलिए हायर किए हैं क्योंकि हमारे पास एक ही दिन है। अगर आप दो दिन के लिए आ रहे हो, वीकेंड यानी सैटरडे संडे के लिए आ रहे हो, तो यार आराम से आप पैदल भी घूम सकते हो। और आप पैदल के अगर शौकीन नहीं हो तो घोड़े हायर कर लेना। घोड़े देख के मुझे एक ही शॉट याद आता है, वो वेलकम मूवी देखी आपने? वापस ला घोड़े वो नाना पाटेकर वाला सीन मुझे वही याद आता है। इन जंगलों में आप देखो कुछ कुछ मतलब जंगली जानवर यार दिख रहे हैं। वो यहाँ पे आपको कैमरे में शायद ना नजर आ रही हो, लेकिन मेरे को यहाँ से नजर आ रही है वो छोटी सी हिरन। यहाँ पे मतलब नेचर के मजे ही है भाई एकदम। ये देख रहे हो मतलब यार एकदम मजा आ रहा है, समझ रहे हो? घोड़ा तो अब मैं खुद चला रहा हूँ, प्रकाश भाई पीछे है अभिषेक भाई के साथ। हम यहाँ पे घोड़ा खुद ही चला रहे हैं। चल घोड़े लेफ्ट मुड़ जा लेफ्ट 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 लेफ्ट। घोड़े का भी मतलब चलाने का अपना एक्सपीरियंस है भाई, इसको भी सीखना पड़ता है। ऐसा नहीं कि तुम घोड़े पे बैठ गए और चला दिए, ऐसा नहीं होता। मैं आपको बताता हूँ कैसा होता है। ये जो ये पट्टा मैंने पकड़ रखा है ना, इसको अगर ज्यादा तेज से ऊपर खींच लोगे ना तो घोड़ा रुक जाता है। ऐसे अगर चलाओगे तो धीरे धीरे ये चलता रहेगा। ये जो पट्टा है ये हमने पीछे खींच रखा है हल्का सा, ताकि इसकी गर्दन ऊपर रहे, तब ये धीरे धीरे चलता रहता है। और जब इसको लेफ्ट ले जाना हो तो लेफ्ट की तरफ थोड़ा सा खींचे, और जब राइट ले जाना हो तो राइट की तरफ खींचे। और थोड़ा इसको मतलब स्पीड अगर आपको तेज करना है ना तो आपको थोड़ा सा पैर इसको मारना पड़ेगा, लेकिन वो मैं मारूंगा नहीं, पता चले अभी भाग जाए। और हम नौ सीखी हैं अभी। अच्छा लग रहा है यार घोड़े पे घूम के भी, मजा तो आ रहा भाई यहाँ पे। और भाई गणपत तेरे को मजा आ रहा है ना? और अभिषेक भाई मजा आ रहा है? नहीं, थोड़ी देर बैठने के बाद डर नहीं लगता भाई। तो अभी थोड़ी देर अब यार हम हॉर्स राइडिंग कर लेते हैं कैमरा बंद करके। थोड़ा कैमरा एक हाथ में है ना तो थोड़ा मजा कम आ रहा है। अभी घोड़े की सवारी करते करते हम पहुंच चुके हैं शर्लेट लेक में। और यार घोड़े का जो हमारा एक्सपीरियंस है ना वो थोड़ा सा डरावना ही रहा पहले। पहले के दो तीन मिनट तो यार बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, लेकिन उसके बाद थोड़ा थोड़ा सही हो गया। और यहाँ पे ना यार मतलब आप सुबह सुबह आओगे ना
तो आपको आने का फायदा है, अगर आपने धूप कर दी तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखो चारों तरफ मतलब माउंटेन ही माउंटेन और बीच में ये लेक, और उसके बाद साइड वॉक भी है, आप यहाँ से वॉक करते हुए यहाँ पे सन को देख सकते हो और उसके बाद माउंटेन के मजे ले सकते हो। यहाँ लेक किनारे आप बैठ भी सकते हो, यहाँ पे बैठने के लिए आगे पॉइंट भी बना हुआ है, और मतलब ना एकदम फुल्ली नेचर में आ गए आप एकदम। घोड़े पे बैठने के बाद ना यार मैं और एक चीज अभी सोच रहा हूँ कि यार घोड़ा ड्रॉप कर दिया जाए, क्योंकि यहाँ मेरे को ऐसा लग रहा है कि पैदल घूमेंगे तो ज्यादा सही है, घोड़े पे घूमने में यार ज्यादा मजा नहीं आ रहा है, क्योंकि यार बीच बीच में जो चीजें हैं ना बार बार घोड़ा रोक के फिर एक्सप्लोर करनी पड़ेंगी। इससे अच्छा मैं सोच रहा हूँ घोड़े को यार वो 800 रुपए हमसे मांग रहा था, जो भी 100-200 रुपए होते हैं यार एक पॉइंट के, को दे के मैं ड्रॉप कर दूं और उसके बाद मैं पैदल ही घूमूं। ये है शार्लोट लेक और यहाँ पे ये है किचन का एरिया, यहाँ पे मतलब लंच ब्रेकफास्ट डिनर जो भी करना आपको कर सकते हो। और जो पहला पॉइंट है इस लेक के आगे वो है हमारा लॉर्ड पॉइंट, तो ये है लॉर्ड पॉइंट की एंट्री, यहाँ से आप नीचे जाओगे और देखते हैं चलते हैं यार लॉर्ड पॉइंट भी जरा हम हकीकत कर ले लॉर्ड पॉइंट की क्या है, लॉ एंड ऑर्डर क्या निकल रहा है यहाँ लॉर्ड पॉइंट में। लॉर्ड पॉइंट के अंदर यार घुसते ही हमें एक जानकारी मिली है जो कि मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, अगर आप घर से हल्के होके नहीं आ रहे हो यहाँ पे हल्के होने की सुविधा भी है, बकायदा आप नेचर में एकदम हल्का हो सकते हो। नेचर में हल्के होने का मतलब ऐसा नहीं यार खुले में कर दो बकायदा यहाँ टॉयलेट्स बने, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ये जानकारी भी जरूरी है। यहाँ से जो नज़ारे हैं ना भाई क्या ही बताऊँ, ये नज़ारे एकदम दिल को लुभा देने वाले नज़ारे हैं। यहाँ पे अभी ना सामने एकदम फोग है इसलिए आपको थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा, लेकिन नज़ारे तो एकदम गजब यार। ये देखो ये ऐसी पहाड़ी नजर आ रही है यहाँ पे, यहाँ से ड्रोन उड़ाने लायक है यार, ड्रोन उड़ाएंगे तो मजा आएगा, लेकिन अपने पास ड्रोन नहीं है ना अभी। आप लोग यार व्यू बढ़ाओ यार, सब्सक्राइब करो, शेयर करो वीडियो को यार, फिर तो अपन ड्रोन ले पाएंगे ना फिर। ये क्या बांध बना हुआ है क्या, ये लकड़ी लगा के पानी को रोका गया? हाँ मेरे को तो यार ऐसे लग रहा है यार इसके अंदर से पानी यहाँ से गिरता होगा, फिलहाल अभी रेत लकड़ी वगैरह लगा के ना इसको रोका गया पानी को यहाँ, नहीं तो इस वाली लेक से पानी यहाँ पे आता है और नीचे ये फ्लो होता होगा। अभी फिलहाल ये खाली है, चलते हैं हम यार नीचे, हमने लॉर्ड पॉइंट देख लिया है और देखते हैं यार अभी सीलिया पॉइंट कहाँ पे है। ये काफी अच्छा ब्रिज मेरे को लग रहा है यार भाई। सीलिया पॉइंट किधर, सीलिया किधर जा सकते क्या, इधर से जा सकते? ये जो चार्लोट लेक है ना इसके ब्रिज के अंदर से जब आप आओगे ना ये वाला रास्ता जाता है सीलिया पॉइंट की तरफ। सीलिया में गीलिया गीलिया क्या हो रखा भाई, ये सीलिया में गीलिया गीलिया यार बिल्कुल, तो पानी से बिल्कुल गीला ही हो रखा है। तो ये कुछ ऐसे रास्ते सीलिया पॉइंट की तरफ जाते हुए, सीरिया नहीं गाइस सीलिया, ठीक है। और मैंने ये चश्मा भी लगा रखा है, ऐसा ना हो कि मैं गिर जाऊं और सब टूट फूट जाए। सीलिया में तो लेकिन गीलिया गीलिया सही है यार, मैंने तो ऐसे फ्लो फ्लो में बोल दिया था सीलिया और गीलिया, लेकिन यहाँ पे यार थोड़ा बचा के आना चाहिए, थोड़ा गीलिया गीलिया भी है सीलिया के साथ। अरे भाई चश्मा निकाल देता हूँ भाई, नहीं तो राजा बाबू बना देगा ये तो मेरे को। ओए फिसल जाएगा, उधर से मत जा, इधर से आ, सीलिया में गीलिया हो जाएगा अभी। कितना मस्त लग रहा है ना यार पानी जाता हुआ, ये देख इधर से आता हुआ कितना सही लग रहा है यार, नेचर इतना साफ पानी है ना गाइस, देख रहे हो इतना साफ, मस्त मजा आ जाता है यार, नेचर नेचर ही नेचर दिख रहा है, लेकिन हमें अच्छा लग रहा है ये सीलिया और गीलिया वाला सीलिया में गीलिया गीलिया। ये मतलब चट्टाने यार मेरे को लग सकता है बरसात जब होती होंगी ना ये मतलब तभी से लैंडस्लाइड होके मतलब ये बनी होंगी। ये देख रहे हो इसका ये डिजाइन ही ऐसे लग रहा है, ये नेचुरल डिजाइन है, नेचर ने खुद अपने आर्किटेक्ट रखे हुए हैं, और जब भी इन्हें पहाड़ वाड़ गिराना होता है ना मतलब इसी स्टाइल में गिराते हैं वो, तो इसलिए आप सीलिया में गीलिया यहाँ देख सकते हो, और ये गीलिया गीलिया में गीलिया बचा के चलना है वरना ढीलिया ढीलिया हो जाएगा। ओहो हर जगह नेचर ही नेचर, वाह। मेरे को ऐसा लगता है कि जो हमने लॉर्ड पॉइंट देखा था ना वही व्यू यहाँ से भी थोड़ा अलग तरीके से देखने को मिलेगा यार। जाए कहाँ, इधर से आराम से आना भाई, गिरना मत बस, वरना तुम्हारे पास 40,000 का माल है ठीक है ना तुम गिर जाओगे 400 रुपए में ठीक हो जाओगे, लेकिन 40,000 का माल खराब हो जाएगा। राम 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 मरा 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 राम 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 मरा 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 राम 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 राम। वो हम वहाँ से आए थे सीलिया में गीलिया करते करते, और ये देखो मतलब ऐसे नेचर बह ही रहा है। और यहाँ से अब आपको व्यू दिखाते हैं हम भाई, यहाँ से भी यार वही वाला व्यू है, वो लॉर्ड पॉइंट, हम वहाँ पे थे लॉर्ड पॉइंट पे, और ये वही नज़ारा यार फिर से वही देखने को मिल गया। तो अब हमने देख लिया यार सीलिया और गीलिया पॉइंट, अब यहाँ से चल रहे हैं आगे, देखते हैं कौन सा पॉइंट आता है।
शार्लोट लेट से, चार्लोट लेट से क्या यार, चॉकलेट है, चॉकलेट है, मेरे को नहीं समझ में आ रहा।